कंप्यूटर की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कंप्यूटर के बर्ड पैड के बारे में आगे बात करते हैं। कुछ ऑप्शन हमने पिछले वीडियो में सीख लिए थे। इसके लिए हम फिर से बर्ड पैड को खोलते हैं। बर्ड पैड को खोलने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक करते हैं और फिर हम वर्ड पैड पर क्लिक कर देते हैं। वर्ड पैड पर आने के बाद हम फाइल के अंदर के कुछ ऑप्शन समझते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो ऑप्शन है ये उसी तरह से हैं जिस तरह से मैंने आपको पेंटिंग में बताए हुए थे। आप यहाँ पर कोई भी एक मैटर लिखते हैं, कुछ भी। फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने मैटर लिख दिया है। मैटर को लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं ये जो मैटर मैंने मैटर लिखा हुआ है वो यहाँ से हट जाए और एक नया पेज, ब्लैंक पेज आ जाए, तो हम न्यू पे क्लिक, फाइल पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो बगल में बना भी है ब्लैंक पेज खाली। लेफ्ट बटन क्लिक करते ही आपके सामने फिर से वो तीन ऑप्शन आएंगे जैसे कि पेंटिंग नोटपैड में भी आए थे। कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। आपका कैंसिल कर दिया है इसमें ऑप्शन। फिर फाइल पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, फिर न्यू पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, यहाँ पे डॉट शेप। जैसे ही हम डॉट शेप पर क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ मैटर है वो हट जाएगा और हमारा जो मैट पेज है पूरा खाली एक पेज आ जाएगा। ये देखिए, इसके साथ साथ ओपन होता है। ओपन को हम बाद में समझते हैं, फिलहाल सेव को समझते हैं। इसके लिए हम मैटर को लिखना होता है। मैटर को लिखने के लिए हम मैटर को पहले टाइप कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर एक मैटर मैंने लिख लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं वर्ड पैड में सेव करूँ, तो फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सेव एज का बॉक्स आ चुका है। सेव एज के बॉक्स के आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ था वो हटा दिया। फाइल नेम देना है, यहाँ पर मैं फाइल को नेम को देता हूँ यहाँ पर मैंने फाइल के नेम को लिखा और फिर सेव पर क्लिक करता हूँ। तो आपकी ये फाइल जो मैंने नेम दिया था आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल बार पर पहुंच चुका है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमें कोई कहता है कि इस फाइल को दिखाओ, तो कैसे खोलते हैं? स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, विंडोज एक्सेसरीज पे क्लिक करते हैं, वर्ड पर क्लिक करते हैं। वर्ड पैड में आने के बाद फाइल को खोलने के लिए हम फाइल पर माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करते ही आपको करना क्या होता है, इसमें फाइल का नाम दिखाई देगा। फाइल पे नेम पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपने जो मैटर लिखा होगा वो आपका मैटर, जो भी आपने लिखा होगा फाइल में वो मैटर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। फिर से क्लिक करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन सेव एज है। सेव एज क्या होता है, जैसे इस मैटर में लिखा है, एक मैटर आपने लिख रखा है, इस मैटर में अगर आप चाहते हैं आप कुछ और मैटर ऐड करना है तो आप यहाँ पर मैटर को लिखा। मैटर को लिखने के बाद ध्यान रखें ये जो ऊपर का मैटर था वो आपका सेव था, लेकिन ये जो लाइन है वो सेव नहीं है। आप किसी भी लिखे हुए मैटर में किसी तरह का चेंज करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इतना मैटर यहाँ से हट जाए और इतना ही सेव हो जाए, तो इतना मैटर हटा दें। इसके बाद ये चेंजिंग कर दिया है, कुछ मैटर हमने इसमें से हटाया है और कुछ मैटर इसमें ऐड लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी फाइल हटकर इस तरह की फाइल सेव हो जाए, तो हम फिर से फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सेव पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब कहने का कि आपने जो परिवर्तन पीछे की फाइल में किया है वो करना है या नहीं। अगर नो कर देंगे तो फाइल में चेंजिंग नहीं होगा, अगर आप यश करते हैं तो आपकी फाइल में चेंजिंग आएगा। हम इसको क्लोज करते हैं, बर्ड पैड को फिर से खोलते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक विंडोज एक्सेसरीज और बर्ड पैड पर क्लिक करते हैं। फाइल को खोलने के लिए फाइल पर लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, ओपन पर लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको फाइल का यहाँ पर बॉक्स आएगा ओपन का। इसके बाद हम फाइल पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारी फाइल देखिए चेंज हो गई है। अगर आपको लगता है कि इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट सिंपल है, आप प्रिंटर पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रिंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस नाम का
इस कंपनी का आपका प्रिंटर होगा, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर आता है, नंबर ऑफ कॉपीज दीजिए और प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका लिखा हुआ मैटर का प्रिंट भी निकल आएगा। इसी फाइल में एक और ऑप्शन होता है एग्जिट, अगर आप चाहते हैं पेंटिंग को सॉरी वर्ड पैड को यहाँ से क्लोज नहीं करना है, यहाँ से करना है, तो आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो भी ये बंद हो जाएगा वर्ड पैड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना वर्ड पैड यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।